हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आई थिंक आवाज आ रही होगी। केशव, पूजा, रवि, सुमन, हितेश, गुलशन, कल्पना, शशि एंड राहुल, गुड मॉर्निंग। सो लेट अस स्टार्ट। सीधा शुरू ही करते हैं आज, ठीक है? तो अभी तक लास्ट तक अपन ने क्या क्या देख लिया था? ये बफर सॉल्यूशन, एसिड, बेस और कुछ जो कॉमन एसिड्स हैं, बेस हैं, जो अपन हाउस होल्ड में यूज करते हैं, और उनके नाम, ठीक है? और उनके क्या क्या यूज रहेंगे वो अपन ने देख लिया था। गुड मॉर्निंग निभा। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं इससे, बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड एनर्जेटिक्स। तो बिहेवियर ऑफ गैसेस क्या है कि मान लेते हैं एक ही कंटेनर है, ठीक है, या फिर ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। इसमें गैसेस किस तरीके से बिहेव करेंगी? तो युविका, पूनम, गुड मॉर्निंग। इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे अलग अलग लॉज होते हैं अपने, जो मतलब एक तो एक इक्वेशन ये याद रखनी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इसी इक्वेशन से आपके सारे के सारे सवाल आ जाते हैं कि भाई प्रेशर का, टेम्परेचर का और वॉल्यूम का आपका बेसिकली क्या रिलेशन रहेगा। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी एक बेसिक इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन इसको अपन बोलते हैं गैसेस के कंटेक्स्ट में, ठीक है? तो इसमें P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स एंड R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है? तो अब PV इक्वल्स टू NRT। अब N भी आपका नंबर ऑफ वॉल्यूम मान लेते हैं कांस्टेंट है, R तो गैस कांस्टेंट है ही। अब PV और T, इन तीनों में से किसी भी एक चीज को अगर कांस्टेंट करेंगे, ठीक है, मान लो पी और वी के बीच में आपको रिलेशन निकालना है टेम्परेचर को कांस्टेंट करके, तो जो बॉयल्स लॉ है वो टेम्परेचर पे बोलता है, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी पी और वी, तो वी इधर आ जाएगा या फिर पी इधर आ जाएगा, तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू पी, ठीक है? नीरज उजाला, गुड मॉर्निंग। तो अब जैसे मान लो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, अब आप प्रेशर बढ़ाओगे किसी भी गैस पे, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे ऊपर से तो उसका वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, ठीक है? तो ये एक प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये अपने पहला क्या है, बॉयल्स लॉ। तो ये फर्स्ट हो गए, ये सारे के सारे इसी से ही डिराइव हो जाएंगे। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में अगर आपको रिलेशन देखनी है, देखो प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर दिया, एन और आर कॉन्स्टेंट है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे, गैसेस एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, और एक्सपेंशन ही अपना क्या कहलाता है, यही वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी। जितना आप वी बढ़ाएंगे, टू टाइम्स अगर टेम्परेचर बढ़ाया है तो टू टाइम्स ही वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड इनवर्सली भी अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है और टू टाइम आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा टू टाइम्स, ठीक है? विवेक एंड सुविधा, गुड मॉर्निंग। तो ये अपना हो गया है चार्ल्स लॉ। तो ये दोनों की रिलेशन होगी, ऐसे ही पी और टी के बीच में अगर रिलेशन देखेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हुए, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रखा, यानी क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम में आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो तेज तेज भागने लग जाएगा और इसको जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये लिमिटेड वॉल्यूम है, तो इसमें इसकी मोमेंट बढ़ जाएगी। इस मोमेंट को बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या है कि भाई टेम्परेचर इधर आ जाएगा, ठीक है? तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये हो गया अपना गे लुजैक लॉ या व्हाटएवर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सबके बीच में आपकी क्या रिलेशंस रहती हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि प्रेशर इज इंक्रीज बाय टू टाइम्स एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन याद रखने से अपना काम चल जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ऐसे ही केस में होती है एवोगैड्रो गैस नंबर, दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एन। एन जो ये अपना यहाँ पे है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने प्रेजेंट है। अगर आपने प्रेशर और टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए
प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो अगर नंबर ऑफ मोल्स डबल कर दिए, यानी मास, मॉलिक्यूलर मास जो भी उसका अपन ने ले रखा है वो अगर अपन ने डबल कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो भी डबल हो जाएगा। मान लो 1 लीटर में 1 मोल आता है तो फिर 2 मोल कितने में आएंगे? 2 लीटर में। ये अपनी हो जाती है आइडियल गैस इक्वेशन। और एक चीज याद रखनी है कि आइडियल गैस जो है बिहेवियर वो आपका लो प्रेशर और लो हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे दो चीजें यूज करते हैं, एसटीपी एनटीपी, ये होते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो भी अपना रूम टेम्परेचर और उसके रिलेशन में अपन बात करते हैं इसको, ठीक है। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर आप देखोगे तो वो कहते हैं कि 1 मोल जो गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल किसी भी गैस का 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निशांत गुड मॉर्निंग। अब अपना जो नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है वो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। देखो अपन ने दो चीजें करी थी, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में मेजर दो जो डिफरेंसेस हैं वो आप मुझे बताओ, ठीक है, या एक ही डिफरेंस अपन बोल सकते हैं। मेजर जो डिफरेंसेस हैं दो अपन ने किए थे वो आपको कमेंट करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, देखो इसमें यहाँ पे कह रहा है कि डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग होती है, एक गैस दूसरे गैस में मिल जाती है विदाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। विकास गुड मॉर्निंग, राजश्री गुड मॉर्निंग, राहुल वन रिक्वेस्ट प्लीज डिले सुपर 45 टेस्ट फॉर फ्यू डेज। राहुल इसमें अभी अगर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है डिले का, ठीक है, तो अपन टेस्ट डिले करने के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज टेस्ट विल बी ऑन 1st ऑफ मई, क्योंकि काफी टाइम से अनाउंसमेंट है और बच्चे भी उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट डिले इज नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस एग्जाम इज गेटिंग पोस्टपोन्ड। ऑस्मोसिस लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है, सेमी परमेबल मेंबर एंड द कंसेंट्रेशन का जो अपना इश्यू होता है उसी को ही अपन इसमें ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, गैस में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फार सेपरेटेड, ठीक है, 1 2 3 4 ये अपने ऐसे सेपरेटेड होते ही हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर सेपरेटेड है। तो इसमें जैसे दूसरी गैस है वो भी इसके अंदर आके फिट हो जाती है, तीसरी है वो भी एक दूसरे के अंदर आपस में आराम से फिट हो जाती है, इसी की वजह से इनका डिफ्यूजन होता रहता है। जो एम्प्टी स्पेसेस हैं एक गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में उसमें दूसरी गैस आ सकती है, यही आपका क्या है डिफ्यूजन। अब ग्राहम्स लॉ क्या बोलता है कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। तो ये आपकी जो इक्वेशन है R1 by R2, D2 by D1 और M2 by M1, यानी जो गैस ज्यादा डेंस है, जो गैस आपकी ज्यादा डेंस है वो कम रेट से डिफ्यूजन करेगी, ठीक है, और जो हल्की है वो ज्यादा रेट से, यानी हाइड्रोजन है जिसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 2, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, ये कमेंट करो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास पूछा भी जा सकता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब जैसे ऑक्सीजन का ज्यादा है तो वो उसी हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शन और अंडर रूट भी रहेगा, ठीक है। अगर मास 4 टाइम्स है तो अंडर रूट 4 यानी 2 टाइम्स, 2 टाइम कम आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा, और मॉलिक्यूलर मास इज 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी, ये तो चलो छोड़ो, ठीक है, वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास के बीच में ये रिलेशन है। हैवी गैस स्लो मूव करेगी, लाइटर गैस फास्ट मूव करेगी, बट अंडर रूट याद रखना है, ठीक है। 16 16, ठीक है, ओके। हेलो संगीता, ठीक है, माय इंस्टीट्यूट ऐप वाली जो दिक्कत है विवेक वो 1 2 दिन में ठीक हो जाएगी, 2 दिन लगेंगे उसको, ठीक है, अभी उनसे बात हो गई थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी 30 से पहले पहले, डोंट वरी।
अब यहाँ पे अपने पास ये तो आ गया, अब है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसमें क्या है कि नॉर्मली जो भी अपनी गैसेस हैं इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जब वो एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट नहीं कर रही हैं, यानी वो मिलजुल के एक नई गैस नहीं बना रही है, तो क्या होगा कि वो आपस में ही उनका जो प्रेशर है, इफ दे आर नॉट डू नॉट रिएक्ट केमिकली, तो उनका जो आपस में प्रेशर है एनक्लोज, ठीक है, तो ये जो प्रेशर आपका है, प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस P1 P2, प्रेशर ऑफ थर्ड गैस P3, तो ये जो सारे के सारे प्रेशर्स हैं, ठीक है, P1 P2 P3, इन तीनों को अगर अपन ज्वाइन कर देंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये इनका टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस जो एग्जर्ट करती हैं आपका जो भी एनक्लोज सिस्टम है उस पे, और वो तीनों को कंबाइन कर दो तो वो इसके इक्वलेंट हो जाता है, ठीक है। मान लो एक दो कर रही है, एक तीन कर रही है, एक चार कर रही है, तो तीनों जब एक कंटेनर में रहेंगी तो 2 3 4 यानी 5 4 9, 9 के आसपास वो करेंगी, ठीक है। तो ये हो गया डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो आपस में रिएक्ट ना करे, ठीक है। नहीं, ऑस्मोसिस इज नॉट ओनली इन द लिक्विड मीडियम, ऑस्मोसिस हाँ बेसिकली, अच्छा ये डिफ्यूजन टेक प्लेस इन एनी मीडियम, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इन लिक्विड मीडियम ओनली। हाँ, बात तो अपन यही करते हैं कि भाई जो ऑस्मोसिस है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ऑस्मोसिस में आपके एक से दूसरे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपके मूव करते हैं, ठीक है। अब जनरली ये बात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और लिक्विड सिस्टम के लिए ही अपन पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जैसे दोनों ही सिस्टम में, अब अपन सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन में बात करें, तो वैसे कुछ स्पेसिफिकली अब मीडियम से रिलेटेड शायद नहीं था वहां पे, बाकी इसको एक बार चेक करेंगे। अभी एक क्वेश्चन आया है तो देयर इज एक कंफ्यूजन मेरे माइंड में भी क्रिएट हुआ है इसके इसके कारण। वी विल सी कि भाई दोनों मीडियम ही रहेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम रहता है। जनरली हम लिक्विड के कंटेक्स्ट में ही ऑस्मोसिस को पढ़ते हैं। अब देखो एनर्जेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स जैसे अपना वहां पे था ऐसे ही यहाँ पे है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं। थर्मोडायनामिक्स क्या है, जो आपकी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस होते हैं, थर्मो इज एनर्जी, डायनामिक्स चेंजेस, ठीक है। ये जो चेंजेस होते हैं यहाँ पे अपने पास दो टर्म आएंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या हो जाएगा, जो भी जहां पे मतलब रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को अपन बोल देते हैं सिस्टम, और उसके चारों तरफ वाला जो भी है रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स उसको अपन बोल देते हैं सराउंडिंग। सो इट इज द स्पेसिफिक पार्ट जहां पे एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस करते हैं सिस्टम, और उसके बाहर वाला सराउंडिंग। अब एग्जाम्पल क्या है, ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ये जो ग्लास ट्यूब है अपना, ये क्या हो जाएगा सिस्टम, और इसके बाहर वाला सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। एंड आप नॉर्मली बोलेंगे मेम्ब्रेन सेल के इनसाइड मिलता है क्या सर? सुमन, मेम्ब्रेन सेल के बाहर भी मिलेगा, सेल के इनसाइड भी मिलेगा, ठीक है। और ये मतलब जैसे अपन सेल मेम्ब्रेन देखते थे, सेल मेम्ब्रेन भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सी ही होती है, तो वो सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर होती है चारों तरफ। और जो अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन है, तो वो आपके मेम्ब्रेन के सेल के अंदर होती है, तो वो दोनों तरीके से मिल सकती है, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी, ठीक है। गुड मॉर्निंग हुमा। चलो अब अपने पास बेसिकली तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब इसमें अपने यहां पे है, सिस्टम इज सेट टू बी ओपन जब वहां पे, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, मास और एनर्जी, मास और एनर्जी। ओपन जब भी बोलेंगे, जब दोनों का ही एक्सचेंज बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो हो जाता है ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम में आपका सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा। और आइसोलेटेड जो है वो कंप्लीटली आइसोलेटेड है, उसमें ना तो मास और ना ही एनर्जी। एग्जाम्पल इसमें दिया है हॉट जो अपन थर्मस का फ्लास्क है, उसमें से ना तो एनर्जी बाहर जाती है और ना ही आपका मतलब जो एनर्जी या फिर मास, दोनों में से कोई भी चीज बाहर नहीं जाती। तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है थर्मस फ्लास्क, ना कि क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल, ठीक है। यस, ये इंग्लिश वाला लूसेंट है और साइंस मतलब ये कंप्लीट लूसेंट है, हम अभी साइंस कर रहे हैं, ठीक है विकास। ओके, देन अब यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो इंटेंसिव,
एक्सटेंसिव जो बाहर वाली होती है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव क्या है, बाहर वाली जो डिपेंड करती है, इंटेंसिव विच डज नॉट डिपेंड, इंटेंसिव जो उसकी अंदर नेचर के ऊपर ही डिपेंड करेंगी। दीज प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम और क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट, बट दे डिपेंड ओनली ऑन द नेचर। इंटेंसिव मतलब अंदर की, यानी नेचर, नेचर पे जो चीज डिपेंड करती है वो हो जाती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल रहेंगे प्रेशर जो गैस का है, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फिर पीएच। तो ये आपके मैटर की नेचर पे ही डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो एक्सटेंसिव है क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे, जैसे मास कितना होगा, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उस पर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम भी उस पर डिपेंड करेगा। उसकी एनर्जी, एंथैल्पी, एंथैल्पी भी आपकी एनर्जी जैसी ही चीज है, बस इतना याद रखना है। तो एनर्जी, एंथैल्पी, ये सारी की सारी चीजें, रेस्टिंग स्टेज में जो एनर्जी होती है उसको अपन जनरली एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे। तो इनको अपन बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब थर्मोडायनेमिक्स जो अपन देख रहे थे, इसमें अलग अलग टाइप की आपके प्रोसेसेस रहेंगे। तो ये डेफिनेशंस हैं कुछ, ये आपको याद रखनी पड़ेंगे। जैसे सिंपल है, आइसो थर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स सेम और कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, आइसो थर्मल प्रोसेस। तो टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, आइसो थर्मल। फिर है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक पूछा जा सकता है, एडियाबेटिक में आपको क्या रखना है, ये क्यू में मार्क कर दिया है। एडियाबेटिक पूछा जा सकता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, यानी कंप्लीटली आइसोलेटेड और इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। जो भी अपन ने देखा था, क्लोज सिस्टम या फिर आइसोलेटेड सिस्टम, दोनों के दोनों आपके किसके प्रोसेस में चलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है। एडियाबेटिक मतलब आपका हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। आइसो बार, आइसो मीन सेम, बार मीन्स प्रेशर। आइसो बार इज सेम प्रेशर आपका रहता है, कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो इसको अपन बोलते हैं आइसो बार। फिर अपना आता है आइसो कोरिक। कोरिक वॉल्यूम के लिए टर्म यूज करते हैं, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जहां पे आपका रहता है, तो आइसो कोरिक। जो अभी अपन रिलेशंस पढ़ रहे थे, चार्ल्स लो, बॉयल्स लो, तो इन्हीं प्रोसेसेस की थी, ठीक है। तो ये अपना हो गया। फिर हमारा है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जब एक सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस और फाइनली इनिशियल स्टेज में रिटर्न हो जाता है। इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज, ठीक है। इनिशियल स्टेज से चला स्टेज 1, 2, 3 और दोबारा से इनिशियल स्टेज पे पहुंच गया, तो साइक्लिकल, ठीक है। काइंड ऑफ जैसे मतलब अपने लाइफ की जो साइकिल चलती है, इसी को अपन साइक्लिकल प्रोसेस बोलते हैं। यू टेक बर्थ, ग्रो, बिकम मेच्योर, डिके, डेथ, डेथ के बाद फिर से। जनरल सेंस में अपन यही बोलते हैं कि वी टेक बर्थ अगेन, या फिर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाले कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लिकल प्रोसेस। फिर अपने पास डेफिनेशन है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। मान लो C+O2, CO2, और साथ ही CO2 आपके ब्रेक भी हो रही है C+O2 में, तो ये अपने हो जाएंगे C+O2, CO2, और CO2 इज ब्रेकिंग डाउन इंटू C+O2, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों मतलब रिवर्सिबल चेंजेस हो रहे हैं। डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट भी है, लेफ्ट टू राइट भी है एक पर्टिकुलर रिएक्शन की। तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। और इरिवर्सिबल मतलब एक ही डायरेक्शन में आपकी सारे की सारी जो प्रोसेस है वो चल रहा है। जैसे मान लेते हैं जो CaCO3 वाला था अपना, ठीक है, CaO+CO2, तो बनता है CaCO3+ हीट, जो सफेदी वाला एग्जाम्पल अपन ने देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सर, आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना बट आई वेस्टेड अराउंड 15 डेज इन दिस। हमारे को इस बारे में किसी का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है। कोरोना एक ऐसी बीमारी आ गई है कि भाई जो भी बीमार हुआ है तो सीवियरिटी भी थोड़ी ज्यादा रहती है। तो ये दीज थिंग्स आर आउट ऑफ अवर कंट्रोल। आप, अच्छी बात है कि रिकवर हो गए हो, दैट इज अ गुड थिंग। अब अपनी जो पढ़ाई है उस पर आप कंसंट्रेट करिए, और ज्यादा मैं तो यही कहूंगा कि एकदम से अपने आप को पुश नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा सा जितना भी पढ़ा जा सकता है उतना पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और बाकी सब लोग भी ध्यान रखो बाहर जाते हुए भी, और अवॉइड करो कि बाहर ना ही जाया जाए तो बेस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होगा, चेंज इन द हीट, जो भी आपकी
रिएक्शन में रहेगी, जैसे सी प्लस ओ टू तो बना सी ओ टू, तो डेल्टा एच जब अपन लिख देते हैं कि माइनस 395.5 वट एवर जो भी लिखा हुआ है, तो माइनस और प्लस, प्लस मतलब हीट इसको देनी पड़ रही है, माइनस मतलब इससे हीट रिलीज हो रही है, तो ये हो जाता है हीट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए दो टाइप की आपकी हीट के कंटेक्स्ट में अपनी रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सो मीन्स आउट यानी रिलीज, तो जब हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और हीट एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स इन, इन यानी एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी एब्जॉर्ब हो रही है। अब देखो कॉमन टर्म्स में जैसे सी प्लस ओ टू है, यहाँ सीओ टू बना, डेल्टा एच रिलीज हुई, इतनी हीट रिलीज हुई, और यहाँ पे सी प्लस एच टू ओ, सीओ प्लस एच टू, यहाँ पे इतनी हीट आपको देनी पड़ी। जब आप हीट दे रहे हैं तो वहां पे जो टेम्परेचर है आपका, मान लो तो अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो मतलब मैं और हीट दे रहा हूं, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है और ज्यादा तेजी से इधर की तरफ आएगी, मतलब जिस साइड हीट देने से काम चल रहा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से पेस ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा, जबकि जो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में तो हीट ऑलरेडी निकल रही है, तो वो जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, जाने सी प्लस ओ टू से इतनी हीट निकल रही है, अगर मैं और ज्यादा हीट यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सीओ टू दोबारा से ब्रेक होकर सी प्लस ओ टू में चली जाएगी। आई थिंक ये चीज आपके लिए क्लियर रहेगी, ठीक है। ये अपना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हो गए। अब डिफरेंट टाइप ऑफ हीट रिएक्शंस भी अपनी हैं, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन, कम्बशन, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्यूशन और हाइड्रेशन। इसको अपन देखते हैं सिंपल टर्म्स में। सुमन रिकवरी नहीं हो रहे, देखो खाना पीना अपना अच्छे से रखना है, हाइड्रेशन बहुत अच्छे से रखना है, एंड गेट योर टेस्ट डन, ताकि पता चल जाए कि भाई क्या है। आइसोलेटेड रहो ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ पे रिकवरी में मिनिमम आप मान के चलिए कि भाई एक वीक तो कम से कम लगेगा ही लगेगा। सो टिल देन ईट वेल एंड ईट हेल्दी, पानी अच्छे से पियो, ठीक है, जल्दी से ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। तब तक जितना पटा जाता है उतना पटना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका क्या रहता है, देखो जो भी बनाने के लिए, मतलब फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड, यानी सी प्लस एच टू सी एच फोर बन रहा है, तो एक मोल जो कंपाउंड का बन रहा है इसको बनाने के लिए कितनी हीट या तो रिलीज हो या फिर चाहिए, तो वो अपने क्या कहलाएगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया हीट एक्सचेंज जो टेक प्लेस करता है, ये हो गया आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन। कंबशन क्या है, जलाना, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब अपन जलाते हैं, जैसे सी एच फोर है, इसको ऑक्सीजन दी तो सीओ टू प्लस एच टू ओ बन गया, तो ये जो एनर्जी आपके निकल रही है वन मोल सब्सटेंस को जलाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज हीट ऑफ कंबशन। कंबशन होता है जलाना, ठीक है। अब इसमें आगे अपन देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ फूड एंड फ्यूल, तो ये इसमें है अपना एफिशिएंसी ऑफ फूड एंड फ्यूल। फूड और फ्यूल, जो भी अपन खाते हैं, खाना खाते हैं उससे भी एनर्जी निकलती है, फ्यूल पेट्रोल डीजल जो आप यूज करते हो कार में और इन सब में, तो वहां से भी आपकी एनर्जी निकलती है, तो ये सारी की सारी चीजें अपनी क्या कहलाती है, बेसिकली जब इसको जलने में कंप्लीटली अगर उसको जला दिया है तो जो आपकी एनर्जी निकल रही है तब हम इसको क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी ऑफ फूड और फ्यूल। कंप्लीटली बर्न और ऑक्सीडाइज, तो उस सेंस में आपकी एफिशिएंसी कहलाती है, ठीक है, मतलब फुली एफिशिएंसी के साथ एक ग्राम सब्सटेंस को जो आप जलाएंगे और इसमें जितनी एनर्जी आपकी निकलती है वही इसकी कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कैलोरीफिक वैल्यू वुड की मान लो 17 है किलोग्राम, किलोजूल पर ग्राम, यानी इतने किलोजूल निकल रहे हैं एक ग्राम वुड को जलाने में। चारकोल के देखो 33, यानी एक ग्राम चारकोल को अगर अपन जलाएंगे तो अपने 33 किलोजूल निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेटर कौन सा हुआ ये आप कमेंट करें, वुड बेटर हुआ या चारकोल बेटर हुआ। एक 17 किलो जूल एनर्जी दे रहा है, एक 33 किलो जूल एनर्जी दे रहा है, तो इन दोनों में से बेटर कौन सा हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अपना हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो न्यूट्रलाइजेशन का क्या प्रोसेस रहता है, जब एसिड और बेस दोनों आपस में मिलते हैं तो एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे, न्यूट्रल, एक तो सॉल्ट बनाएंगे और एक वाटर बनाएंगे, तो ये रिएक्शन जो आपकी होती है वो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, चारकोल चारकोल 33 जूल वाला, केशवी वुड भी वुड कम होगा, चारकोल इज द राइट आंसर, ठीक है।
जिससे ज्यादा एनर्जी निकल रही है वही ज्यादा एफिशिएंट, उसी की ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे साल्ट बना NaCl, ठीक है, प्लस H2O, और जितनी भी हीट आपकी रिलीज हुई यही कहलाती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस जब भी आपके कंबाइन होते हैं तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा निकलती है, दैट इज 57.1 किलो जूल। ये कांस्टेंट रहती है ऑलवेज, ये मान के चलना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से। बट वहीं दूसरी साइड वीक एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी हमेशा लेस देन 57.1 निकलेगी। बस सिंपल है, कितनी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन ये ध्यान नहीं रखना, बस इतना ही याद रखेंगे, जीएस में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हीट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, जैसे NaCl प्लस एक्वस वाटर में इसको किया, तो 1 मोल सब्सटेंस के डिसोल्व कर रहे हैं हम पानी में या सॉल्वेंट में, ठीक है, एक्सेस सॉल्वेंट में, यानी 1 मोल को डिसोल्व होने में जितनी एनर्जी, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर, तो वो जो चाहिए होती है वो आपकी क्या होती है, हीट ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल। गुड मॉर्निंग युजवेंद्र, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, हीट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हीट ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड लास्ट अपना यहाँ पे कंसेप्ट है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ पे क्या है, जैसे कॉपर सल्फेट CSO4 प्लस 5H2O, 5H2O, तो CuSO4 डॉट 5H2O, यानी ये इससे कंबाइन होके क्रिस्टल बन गया, ये अपना क्या है डॉट 5H2O। तो ये आपको देखना है कि जब ये क्रिस्टल बनता है, ठीक है, व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट चेंजेस टू हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो ये इसमें हाइड्रेटेड सॉल्ट में चेंज हो जाता है बाय कंबाइनिंग विद स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द मोल्स। तो ये जैसे मान लो 5 ही कंबाइन होकर ये हाइड्रेटेड सॉल्ट बनता है, सबके अलग अलग होते हैं, BaCl2 2H2O, तो BaCl2.2H2O, तो सब में अलग, किसी कहीं में 5 कहीं में 2, तो ये जितने भी हाइड्रेशन, तो ये इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन यानी एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट कि भाई जितना भी वाटर इसमें कंबाइन हो सकता है उतना, ठीक है। फिर हम देखते हैं हैज़लो या फिर कांस्टेंट हीट समेशन। देखो ये क्या बोलता है, ये कह रहा है कि मान लो ए है, ए से बना बी, या फिर ए बी में सी के थ्रू भी होते हुए जा सकता है, फाइनली क्या हो रहा है, बी बन रहा है, तो चाहे 1 से 2 पे जाना है, चाहे मैं ऐसे जाऊं, चाहे मैं ऐसे जाऊं, चाहे कैसे भी जाऊं, ठीक है, एनी पाथ, चाहे एक स्टेप की रिएक्शन हो, चाहे मोर देन वन स्टेप की रिएक्शन हो, चेंज इन हीट विल बी आइडेंटिकल। फाइनल स्टेप में जो चेंज इन हीट है वो हमेशा आइडेंटिकल रहेगा, यानी डेल्टा एच जो है, डेल्टा H1 और H2 का कम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पे मान लो 10 आपकी हीट चाहिए, 10 जूल, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लग रही है तो डेल्टा H2 कितना होगा वो बताइए, ठीक है, और ये 10 है, ये -2 है, 10 रिलीज हो रही है या लग रही है, यहाँ पे 2 रिलीज हो रही है ए से सी पे जाने में, तो यह है 10, यह है -2, तो डेल्टा H2 कितना होगा, +2 नहीं है, -2। सी सेट, बीच बीच में सी सेट की प्रैक्टिस कॉमनली। तो ये अपना क्या है, ट्वेल्व, ठीक है, तो 12 क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है तो यहाँ पे ज्यादा लगेगी, ऐसे ही देखना है, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कंबाइन हो जाएंगे, 12 बिल्कुल सही जवाब है। अब हम आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये अपन पहले ही देख चुके हैं। लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या थी, एक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस से दूसरे फॉर्म ऑफ सब्सटेंस में वो जो चेंज होता है विदाउट चेंजिंग योर टेम्परेचर, यानी सॉलिड से लिक्विड से, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से गैस बन रहा है तो वो अपना रहेगा, ठीक है। फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और वेपराइजेशन से लिक्विड में, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो ये जो चाहिए उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे 1 किलोग्राम के कंटेक्स में लिखा हुआ है तो 1 के हिसाब से ध्यान रखेंगे यूनिट। अब अपना प्रोसेस आ रहा है नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो अलग अलग ब्रेक हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए NaCl, तो जब NaCl है ये जो ब्रेक होगा सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, तो ये जो ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये जो प्रोसेस है ये अपना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें अलग अलग टर्म्स आएंगे अभी, इलेक्ट्रोलाइट
जिन में से जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है, विच अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास, वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इट अंडरगोज केमिकल डिकम्पोजिशन, जैसे एसिड, बेस, सॉल्ट, कुछ भी हो सकते हैं। ये आपका मान लो कंटेनर में रहेगा, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड्स लगा दोगे और तो ये अपना इधर रहेगा, ठीक है, ये पास डाउन हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर पास होगी, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। अब दो टाइप के अपने इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, यानी 100% आपका NaCl है तो कंप्लीटली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया। बट जो वीक है वो कंप्लीटली नहीं रहेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे कैसे रहेंगे, कुछ आपके ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जो अपने मॉलिक्यूल्स हाफ ब्रेक डाउन हो रहे हैं वो आपने कहलाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग में कंप्लीटली ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ये जो प्रोसेस है ब्रेकिंग डाउन का, प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, तो यही प्रोसेस अपना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो मीन्स बिजली और लाइसिस मीन्स टूटना, ठीक है। और इलेक्ट्रोड क्या होती हैं? जो बीच में दो इलेक्ट्रोड जिनके बीच में से अपन बिजली पास करते हैं वो अपनी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रोड, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने पास दो, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, एक इलेक्ट्रोड यहाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो कैट आयन, मैंने आपको क्या बताया था? कैट आयन यानी कट कट किया इलेक्ट्रॉन, तो ये बना पॉजिटिव, कैट आयन इज पॉजिटिव। कैट आयन जाएगा कैथोड पे, तो कैथोड आपकी क्या होगी? नेगेटिव, तो नेगेटिव इज कैथोड, तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कैथोड इज नेगेटिव। एन आयन, एन आयन क्या होता है? एड किया इलेक्ट्रॉन को, यानी एन आयन हमेशा क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली कहाँ जाएगा? कौन से रोड पे जाएगा? पॉजिटिव रोड पे। पॉजिटिव रोड यानी एनोड इज पॉजिटिव रोड, ठीक है, एनोड पॉजिटिव, तो ये अपना हो जाता है एनोड, ठीक है, एनोड और कैथोड ये अपने हो गए। अब हम देखते हैं अलग अलग लॉज यहाँ पे हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये अपने जो एक दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। जैसे पहला लॉ क्या बोलता है कि भाई जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कैटायन पे कैटायन आके डिपॉजिट हो जाएंगे, एनायन पे एनायन आके डिपॉजिट हो जाएंगे, मान लो एक जगह एन है एक जगह सीएल, तो ये आपस में डिपॉजिट हो गए। तो वो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज आप पास करते हैं उस यूनिट से, तो वो जो चार्ज पास होता है वही उसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ज्यादा चार्ज पास करोगे तो ज्यादा डिपॉजिट होगा, कम चार्ज पास करोगे तो कम डिपॉजिट होगा। सिंपल टर्म्स में यही है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये चीज अपने को याद रखनी है फर्स्ट। सेकंड क्या कहता है कि मतलब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज मासेस और अलग अलग पे जा रहे हैं, तो उनमें जब वो डिपॉजिट होंगे, ठीक है, अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करोगे तो उनका वेट जो इक्विवेलेंट मासेस है तो मासेस के हिसाब से डिपॉजिट होंगे। जो 20 वाला है उसमें से मान लो दो डिपॉजिट हो रहा है, एक पर्टिकुलर क्यू पे चार्ज पे 20 का दो डिपॉजिट हो रहा है, तो 30 का कितना डिपॉजिट होगा? ये आप लोगों के लिए फिर से सवाल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है, उसी से ही डिपॉजिट होगा, जितना मास उतना ही डिपॉजिट सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करने पे, ठीक है। नेक्स्ट अपना यहाँ पे कंसेप्ट है कंडक्टेंस। देखो रेजिस्टेंस अपन ने पढ़ा था, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जेस में हिंड्रेंस पैदा करे वो अपना हो जाता है रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस होगा जो फ्लो को स्मूथ बनाए, तो इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, सी इक्वल्स टू 1/R, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/R। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस enclosed in a cell with two electrode of unit area by 1 cm is called, मतलब जब उन दोनों के बीच में यूनिट एरिया, मतलब एक एक यूनिट एरिया में वो है और डिस्टेंस इनमें 1 cm का है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तब वो कितना कंडक्ट अलाउ करेंगे, कितना एक इधर उधर जाना अलाउ करेंगे? 3, 3, 3, 3, ठीक है, 3 इज द राइट आंसर। तो ये अपना हो गया कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इतना डिटेल में नहीं आएगा। कंडक्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, अपन ने पहले भी देखा था, ओम फिजिक्स वाले में था, ओम तो होता है रेजिस्टेंस और ओम माइनस वन क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1 cm की दूरी के साथ है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ये नहीं पढ़ना अपने को। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? जब अपन
बाहर आपने लोहा रख दिया, लोहे पे जो जर लग जाता है उसी को अपन कहते हैं कोरोजन। धीरे धीरे क्या होता है कि बाहर वाले मटेरियल जैसे आपके मिट्टी वगैरह है, मिट्टी वगैरह लग गई और पानी है H2O वगैरह लग गया, तो पानी और मिट्टी वो सारे के सारे आके उस पर डिपोजिट हो जाते हैं और वो उसको धीरे धीरे गलाने लग जाते हैं। तो यही जो प्रोसेस है अपना, ये क्या कहलाता है? कोरोजन। ठीक है, तो जो वाटर वेपर्स वगैरह आपके प्रेजेंट है, ये रस्टिंग ऑफ द आयरन, या फिर कॉपर, कॉपर का कलर ग्रीन हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो भी एक कोरोजन का ही प्रोसेस है। या फिर सिल्वर है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, तो ये भी कोरोजन के ही प्रोसेस है। ठीक है, कोरोजन में जनरली क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3XH2O, ये आपका डिपोजिट होगा। ठीक है, ये हो गया है Fe2O3XH2O। चलो अब उसमें जैसे मान लो ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा जाएगा, गैल्वनाइजेशन। आयरन जब भी आपका ऐसे कोरोड होता है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ प्रोसेस यूज करते हैं। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, इसमें जिंक, जिंक की कोटिंग कर देते हैं ऊपर। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो ये एकदम से रिएक्ट करके इसके ऊपर एक परत ही बना लेगा। वो जो परत बन जाती है वो फिर नीचे आयरन से डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होने देती, तो इसी कारण से अपन जिंक की कोटिंग कर देते हैं ऊपर, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? गैल्वनाइजेशन। तो सवाल आएगा कि गैल्वनाइजेशन जो प्रोसेस है किस लिए यूज किया जाता है? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन, तो ये ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन वाले कंपाउंड्स आपके जैसे हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के, ठीक है, या फिर सिर्फ कार्बन के कंटेक्स में बात करें तो उनको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है वो कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो केमिस्ट्री डील करती है कार्बन और उसकी प्रॉपर्टीज के संबंधित पढ़ाई और लिखाई से रिलेटेड, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये अपना हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास आ रहा है एलोट्रॉपी। ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल सेम कार्बन के ही बने हुए हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा जब भी आप रिएक्शन कराएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो रहती हैं सेम एलोट्रॉप्स, और बट जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, देखो ग्रेफाइट हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, डायमंड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे बनता है बहुत स्ट्रॉन्ग, चारकोल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज करेगा। आर्यन गुड मॉर्निंग। तो इसमें ये हो गए, एलोट्रॉप की डेफिनेशन पता होना चाहिए, ये सवाल पूछा जा सकता है क्यों? ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखो डायमंड क्या है? डायमंड इज प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का, सबसे हार्डेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, कंडक्टर बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है, यानी यहां से एकदम से रिफ्रैक्शन बहुत तेजी से होता है, इसीलिए चमक होती है डायमंड में। ठीक है, चमक का कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई। केमिकल प्रॉपर्टीज इनर्ट, ठीक है, ये एंड ऑन हीटिंग ये आपका ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जो एलोट्रॉप्स अपन ने देखे हैं जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हैं तो वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई, डेंसिटी बहुत हाई। अब ये चीज ध्यान रख लेना कि ब्लैक डायमंड्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कार्बनेडो, कार्बनेडो। ठीक है, कार्बनेडो, तो ये है अपने ब्लैक डायमंड्स, ब्लैक डायमंड्स हो गए। ठीक है, ब्लैक डायमंड्स कार्बनेडो, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब ऐसा ही अपने पास नेक्स्ट क्या आ रहा है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को अपन क्या बोलते हैं? प्लम्बैगो या फिर ब्लैक लैड, ब्लैक लैड। ठीक है, ये दोनों के दोनों नाम अपने को याद रखने हैं। ये सॉफ्ट ग्रीसी डार्क ग्रेइश कलर का होता है, जो अपने पेंसिल लगी होती है सामने, पेंसिल में जो निब होती है वही आपकी क्या होती है? ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये आपका डार्क ग्रेइश क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कंडक्टर कैसा है? यस इट इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, चलो छोड़ो, मोर रिएक्टिव केमिकली, ये ज्यादा रिएक्टिव रहेगा डायमंड से, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें जो जो अलग अलग यूजेस हैं, देखो लाइनिंग एंड द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोड में यूज किया जाता है, रिफ्रैक्टरी क्रूसिबल्स, ये पता नहीं क्या है, पेंसिल लेड बनाई जाती है, मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो अपन ने मॉडरेटर देखा था फिजिक्स में, तो उसमें भी स्लो डाउन करने के लिए ग्रेफाइट भी आप यूज करते हैं, मशीनरी में लुब्रिकेंट के लिए भी, मान लो बड़ी बड़ी मशीन है उनमें ग्रेफाइट से लुब्रिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो वो घिसते नहीं है इजिली, तो वो हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं फॉर्म ऑफ अमोर्फस कार्बन ऑब्टेंड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्टिलेशन, जैसे वुड चारकोल,
शुगर चारकोल, वुड वुड से मिलेगा, शुगर शुगर से मिलेगा, एनिमल बोन से ये मिलेगा, कोक चारकोल आपके कोल से मिलेगा, सिंपल। हाँ विकास, ग्रेफाइट से भी डायमंड बना सकते हैं। यस, ग्रेफाइट को जब हम बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे नीचे की तरफ ले जाओ, क्योंकि बोथ आर सेम, बोथ आर जस्ट कार्बन, तो इसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज की वजह से क्या होता है कि उनका जो अरेंजमेंट है, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, वो चेंज हो जाता है। जैसे ग्रेफाइट है, उसमें हेक्सागोनल शेप में ये अरेंज होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये ग्रेफाइट का रहता है। डायमंड में टेट्राहेड्रल कुछ अरेंजमेंट होती है, तो ये अरेंजमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, और इसकी स्टडी को अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन जो आपका प्रोड्यूस किया गया था लेबोरेटरी में, वो था यूरिया। यूरिया जो अपन आज यूज करते हैं नाइट्रोजन सप्लाई के लिए एज अ फर्टिलाइजर, वो अपना क्या होता है, यूरिया, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और एरोमेटिक। सेचुरेटेड क्या रहेंगे, देखो सिंपल टर्म्स में है, जैसे ये है, यहाँ पे सारों के सारों में सेचुरेट है हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, और बाकी जो बॉन्ड है कार्बन का सिंगल बॉन्ड इसके साथ आपस में भी कार्बन का सिंगल बॉन्ड, और बाकी सारे के सारे बॉन्ड जो है वो सेचुरेटेड है बाय हाइड्रोजन, तो इसको फिर बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका उल्टा अनसेचुरेटेड, देखो यहाँ पे या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो और जो बाकी हैं वो हाइड्रोजन से हो सकते हैं और भी कुछ हो सकता है, बट डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो इनको अपन बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें अपना एग्जाम्पल जैसे प्रोपीन, इथिलीन, ये आपको ध्यान नहीं रखना, बस इतना ही ध्यान रखो। देखो इथाइलीन या फिर इथीन इसको बोलते हैं, पर इथाइलीन जो गैस है वो फ्रूट्स को पक्का करने में, जैसे अपन कई बार कहते हैं ना, ये तो गैस देके पकाए हैं, गैस देके पकाए हैं, वो गैस कौन सी यूज करी जाती है, दैट गैस इज इथाइलिन गैस, ठीक है, ये याद रखेंगे, इथाइलिन। ये जो है C2H4, ये गैस यूज करी जाती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये उसको पका देती है, ठीक है, फ्रूट को। एंड बस इतना ही याद रखना है इसमें। एंड नेक्स्ट अपना क्या आ रहा है, अब ये तो आ गया एसिटाइलिन भी, वही है एसिटाइलिन भी यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग। ये दो नाम अगर आ जाएं तो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। एरोमेटिक, एरोमेटिक क्या होगा, एक ये बेंजीन बुंजीन जैसे कंपाउंड होते हैं, ये ध्यान रखना है, मतलब साइक्लिकल कंपाउंड होते हैं और जनरली दे एमिट एरोमा, मतलब उनसे खुशबू सी निकलती है, तो इसलिए इनको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें एक बेंजीन रिंग भी हो सकती है जैसे बेंजीन, या दो बेंजीन रिंग भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तो ये अपने क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। फिर अपने पास आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, टू हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इनको बोलते हैं आइसोमर्स। और ये जो प्रोसेस है जो मिलने का पाया जाता है, यानी बेंजीन के भी दो अलग अलग तरीके के बेंजीन हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है बस, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, बट केमिकल फॉर्मूला सेम है, C6H6, ठीक है, बट वो अलग अलग मिलते हैं, इसीलिए उनको अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन। इथाइलिन एसिटाइलिन वो सेम ही है, इथाइलिन एसिटाइलिन सेम ही है, ठीक है। अब हाँ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है आपका, पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, तो रॉक्स के अंदर, देखो पुराने टाइम पे क्या होता कि जो प्लांट्स और एनिमल्स, अब धीरे धीरे ये कौन सी रॉक्स में मिलता है, विच टाइप ऑफ रॉक कंटेन्स पेट्रोलियम, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, कौन सी रॉक्स में आपके पेट्रोलियम मिलेगा, तो वो जब दब गए, एकदम से दबे और धीरे धीरे वो प्रेशर बढ़ता गया, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और वो उसी प्रेशर के कारण कन्वर्ट हो गए फिर पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब में, ठीक है। तो और इसी को अपन क्या बोलते हैं, रॉक ऑयल या फिर मिनरल ऑयल या फिर क्रूड ऑयल, ठीक है, ये अपना हो गया, तो ये हो गया पेट्रोलियम। ओके नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फ्यूल। देखो इसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं सारी बता देता हूँ। अब इसमें यहाँ पे ये जो टेबल है, टेबल में से बस याद कौन कौन से रखने हैं, जैसे बेंजीन जो डेरिवेटिव है उनको सॉल्वेंट की तरह, ड्राई क्लीनिंग की तरह अपन यूज करते हैं, पेट्रोल और गैसोलीन को अपन
मोटर फ्यूल, ड्राई क्लीनिंग या फिर पेट्रोल गैस में यूज करते हैं। जो आप ड्राई क्लीनिंग करवा के आते हैं उसमें पेट्रोल यूज होता है उसको उड़ाने के लिए। पैराफिन वैक्स जो है आपका कैंडल्स में बूट पॉलिश के लिए या फिर वैक्स पेपर के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही वैसलीन जो है आपकी, वैसलीन यूज करी जाती है टॉयलेट्स में, ऑइंटमेंट्स में या फिर लुब्रिकेशन में। ठीक है, पिच जो है वो यूज करा जाता है पेंट्स में या फिर रोड सरफेसिंग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये तीन चार एप्लीकेशंस हैं, ये आपको मार्क करा दी हैं। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द टाइमिंग ऑफ टेस्ट, देखो 1 मई को 12 बजे आपको टेस्ट मिलेगा। एंड आप एकेडमी की ऐप डाउनलोड करो, डॉक्टर अमित एकेडमी। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगी, लिंक किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इजीली मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके वहां पे सुपर 45 नाम से बैच है, जस्ट एनरोल इट, 1 रुपीज इज द रजिस्ट्रेशन फीस, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है आर्यन, ओके। अब अपना नेक्स्ट आ रहा है फ्यूल। देखो फ्यूल क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें से एनर्जी निकलती है वो है फ्यूल। ठीक है, अब ऐसे मीम्स आते हैं ना, यू आर माई फ्यूल और ये सब वो सब, तो मतलब फ्रेंड्स या फिर मतलब रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो इस टाइप के हम अपन भेजते हैं फ्यूल, एनर्जी, क्योंकि वहां से एनर्जी मिलती है। फैमिली एज अ फ्यूल काम करती है, आपको एनर्जेटिक रखती है। ठीक है, तो इसमें अपना हो जाता है फ्यूल, एक सब्सटेंस जो सप्लाई करता है एनर्जी। बट अपन केमिस्ट्री के कंटेक्स्ट में जब बात करेंगे तो हमेशा वो जो जलेगा और फिर सप्लाई करेगा। ठीक है, तो जो अच्छा फ्यूल है, आइडियल फ्यूल, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए हाई, चीप होना चाहिए यस, इजिली अवेलेबल होना चाहिए यस, स्टोर आराम से कर सको, ट्रांसपोर्ट आराम से कर सको, रेगुलेट आराम से कर सको, कंट्रोल आराम से कर सको, इग्निशन टेम्परेचर उसका लो हो। ऐसा नहीं टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, 20 पे 30 पे आराम से एकदम से जल जाए। ठीक है, बट 20 30 भी ज्यादा लो हो गया तो भी दिक्कत है। कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपना फ्यूल का वो हो जाएगा। एंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल इन एयर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये अब यहां पे क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो एक्सप्रेस अपन करते हैं किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब में। ऐसे ही लिक्विड जो है, जैसे लिक्विड में अपन ने देखा केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, अल्कोहल, ठीक है, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, ऑयल गैस, नेचुरल गैस, गोबर गैस, एलपीजी, ये सारे के सारे लिक्विड है। तो ये जो लिक्विड है, दीज आर कंसिडर्ड बेस्ट फ्यूल, क्योंकि आराम से इनको स्टोर करा जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए अब कुछ कुछ डायरेक्ट टर्म्स आएंगी वो याद रखनी है उनका क्या है। ठीक है, देखो वाटर गैस पूछा जाता है बार बार, वाटर गैस इज CO+H2, कार्बन मोनोक्साइड प्लस H2। ठीक है, वाटर गैस या फिर सिन गैस इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, सिन सिन मतलब पाप किया, पाप करेंगे कार्बन मोनोक्साइड को देखे, कार्बन मोनोक्साइड आपको कार्बोक्सी मिथ हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपका बना देती है। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा मुझे ये बताइए, मिथ हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा कंपाउंड ऐड होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा मटेरियल या फिर कंपाउंड अपन बोलेंगे, कौन सा एलिमेंट जो है वो ऐड होने की वजह से आपका मिथ हीमोग्लोबिन बनता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन ट्रांसफर आपका कम हो जाता है और साइनोसिस। ठीक है, साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन। तो वाटर गैस हो गई सिन गैस। फिर अपने पास आता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, CO+N। ठीक है, नाइट्रोजन, तो ये आपका हो जाता है प्रोड्यूसर गैस CO+N2, ये भी ध्यान रखना है। मीथेन 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 नहीं, मिथ हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं तो मतलब मीथेन होगा क्या, वो तो ये कॉमन सेंस लगाई है, बट यहाँ पे इट इज नॉट राइट। यहाँ पे आंसर होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो आपका अटैच होता है हीमोग्लोबिन से, तब हमारा बनता है मिथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। चलो कोई नहीं, ठीक है, अभी बायोलॉजी में अपना वो आया नहीं है, कर लेंगे। कोल गैस, कोल गैस में आपका हाइड्रोजन, CH4 और C2, तो ये सारे के सारे जब मिलेंगे तब इसको बोलते हैं कोल गैस। ठीक है, मीथेन मिला के, अब जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था CO+H2 सिन गैस, CO+H2+ मीथेन कोल गैस। ठीक है,
ऑयल गैस याद नहीं रखनी, गोबर गैस याद रखनी है जिसमें मीथेन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसे ही नेचुरल गैस में भी मीथेन ज्यादा होता है, मीथेन CO2, ये दोबारा से सेम आ गए हैं, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा। नेचुरल गैस याद रखनी है, LPG और CNG याद रखनी है। LPG में आपका मिलता है ब्यूटेन और प्रोपेन, BPG, ठीक है। LPG BPG, LPG इज BPG, B फॉर ब्यूटेन, P फॉर प्रोपेन, LPG इज BPG। CNG में क्या होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस, CNG के जो आप सिलेंडर लगाते हो, मीथेन। डायरेक्टली सवाल इतना ही बनेगा कि इसके कंपोजिशन में क्या क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कंसेप्ट अपना आता है नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर। देखो क्या होता है, मेटलिक साउंड आती है जब इंजन चलता है, तो रेगुलर बर्निंग जो फ्यूल की होती है, फ्यूल की बर्निंग की वजह से रेगुलरली उसमें साउंड आती रहती है। वही जो साउंड आपकी आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉकिंग, नॉकिंग साउंड, ऑक्टेन नंबर, ठीक है। तो इसमें दो कंसेप्ट है, नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर। तो जो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है इरेगुलर बर्निंग की वजह से, उसको अपन बोलते हैं नॉकिंग। जितनी ज्यादा नॉकिंग होगी उतनी ही ज्यादा आपके फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो भी कम होगी, और जो इंजन है वो भी गड़बड़ होता जाएगा। तो ज्यादा अगर नॉकिंग होती जाती है तो उसकी वजह से इंजन पे प्रभाव पड़ता है और इंजन खराब हो जाता है। उसी को कम करने के लिए मिनिमम नॉकिंग प्रॉपर्टी के अपन फ्यूल यूज करते हैं, जो ऑक्टेन नंबर से अपन इसकी रेटिंग बताते हैं। जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हाई है, जैसे आप जनरली देखने में आते हैं कि भाई अपने पास हाई ऑक्टेन नंबर का फ्यूल मिल रहा है, तो जहां पे ऑक्टेन नंबर हाई है वो फ्यूल बेटर रहेगा, ठीक है। तो हाई ऑक्टेन नंबर के अपन जनरली यूज करते हैं। ऑक्टेन नंबर 0, ऑक्टेन नंबर 100, तो ये वाला बेस्ट है, ठीक है। मिनिमम नॉकिंग होगी इसमें, कम से कम डैमेज होगा। फिर आप अपने पास नेक्स्ट है एंटी नॉक कंपाउंड्स। एंटी नॉक कंपाउंड्स क्या है जो नॉकिंग को कम करेंगे, इसमें एग्जाम्पल है अपना TEL, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। TEL, टेट्रा इथाइल लेड इज द बेस्ट एंटी नॉकिंग कंपाउंड, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तेल, तेल से याद रख लो, जैसे तेल में तेल, तेल तेल, तेल इज बेस्ट एंटी नॉकिंग कंपाउंड। यस, हाई ऑक्टेन पेट्रोल फॉर स्पोर्ट्स का, बिल्कुल सही निशांत। फिर यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है सीटेन नंबर, ठीक है। डीजल ऑयल जो होता है उसमें सीटेन प्रेजेंट होती है, उसके प्रेजेंस के हिसाब से कितने वॉल्यूम में सीटेन है इस मिक्सचर में, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीटेन नंबर, ठीक है। हेक्साडेकेन इसका सीटेन नंबर होता है 100, और वो भी उसी हिसाब से उतनी ही बेटर होती जाएगी, ठीक है। तो सीटेन नंबर अपन किसके कंटेक्स में यूज करते हैं, डीजल के कंटेक्स में। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, ये दोनों ध्यान रखेंगे। सीटेन नंबर डीजल में कितनी सीटेन गैस है वो, तो ये तो हो गया। देन अपना आ रहा है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या है, फ्लैश पॉइंट होता है मान लो एक लिक्विड है जो ऑयल या फिर फ्यूल वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, एक टाइम पे वो इतने सफिशियंट वेपर बन जाते हैं कि एकदम से एक्सप्लोड हो जाएगा, वो होता है उसका फ्लैश पॉइंट। तो किसी भी, जैसे मान लो फ्लैश पॉइंट इन इंडिया इज फिक्स्ड एट 44, तो एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर, तो ऑयल मतलब कोई भी ऑयल है, सफिशियंट वेपर उसके बन जाए एक्सप्लोसिव में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, टू फॉर्म एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर, ब्लास्ट हो जाएगा, तो उसको अपन बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, ठीक है। क्योंकि ब्लास्ट में फ्लैश जैसा निकलता है, तो अपन ऐसे याद रख लेंगे दिस इज व्हाट, ठीक है। फिर अपना कॉल, कॉल ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज, आपके चार टाइप के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। पीट सबसे लो ग्रेड, और कैसे याद रखेंगे, ABLP क्रोनोलॉजिकली, ठीक है, ABL पीट, LMNOP, यही क्रोनोलॉजी है इसकी। ए सबसे बेस्ट, 90 to 95% ऑफ द कार्बन इसमें होता है। कैलोरीफिक देखो 6700 से 75, और बिटुमिनस, बिटुमिनस है 75 to 80 हंड्रेड, बट इसकी कैलोरीफिक वैल्यू तो आपको ज्यादा दिख रही है, पर यहाँ से पोल्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है। स्मोकी, भले ही ये ज्यादा एनर्जी दे बट स्मोकी है, यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी कम मिल रही है बट आराम से अच्छे से चलेगा, सुपीरियर क्वालिटी, ठीक है। और बाकी ये नीचे जाहिर है 60 to 70, 50 to 60। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है मेटलर्जी, मेटलर्जी अपन करेंगे कल टुमारो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी, एंड आफ्टर 1 मिनट वी विल वाइंड अप दिस सेशन।
हितेश ये फिक्स किया हुआ है कि भाई इससे कम तो आप जो ऑयल या फिर वाटर वेपर्स हैं वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे अलग अलग जगह के लिए अलग अलग वैसे कर देते हैं, ये एक जनरल फिक्स किया हुआ है कि भाई इससे कम पे तो अपन ऐसा एक्सप्लोजिव तो यूज ही नहीं करेंगे, उनको एक्सप्लोजिव की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन, रिपीट कर दो सर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन, यूवी का इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन क्या पूछना चाह रहा हूं मैं, समझा ही नहीं। एग्जाम की क्या सिचुएशन है, एग्जाम की सिचुएशन है, एग्जाम अभी तक तो सब कह रहे हैं होगा ही, तो हम यही मान के चलते हैं कि यस एग्जाम होगा। यूवी का आपका जो सवाल था, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, देखो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या है, जैसे मान लेते हैं ये एटम है, एटम के अंदर है न्यूक्लियस, सबसे बेसिक गोल गोल मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किससे मिलके बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में जीरो नेगेटिव चार्ज, ये दोनों मिलके आपका न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बोला जाता है मास नंबर, ठीक है। इसके बाहर आपके शेल्स होते हैं, शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके एटम को एक न्यूट्रल प्रोसेस में रखते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके बाहर ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है एक एटम की जो बोली जाती है, जो इसको स्टेबलाइज भी करती है, अंदर एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जैसे सेल में। अब नॉर्मली क्या है कि इन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाते गए बनाते गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसे स्ट्रक्चर यस है, पहले एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करते थे, अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब इसमें और भी बहुत सारे पार्टिकल डिस्कवर कर लिए गए हैं, बट अपने काम का इतना ही है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। सुमन तैयारी अच्छी है, टेंशन ना ले ज्यादा, ठीक है, और अभी जितना टाइम बचा है उसमें और अच्छे से पढ़ाई करनी है, चलो ठीक है। सो दिस इज इट, अभी अपन मिलेंगे शाम को, और सी यू इन द इवनिंग, टिल देन स्टे स्टे हेल्दी, गुड बाय एंड जय हिंद।